लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा झा। सबसे बड़ी खबर सियासी गलियारे से। बिहार में बढ़ते क्राइम से नीतीश कुमार नाराज। दोपहर में बिना जानकारी दिए पहुंच गए पुलिस मुख्यालय, कह दिया लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री गए दिल्ली, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात, पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। किसान दिवस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की डबल इंजन सरकार पर साधा निशाना, कहा किसानों को भिखारी बना दिया। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव 5 जनवरी से शुरू करेंगे किसान यात्रा, न्यूज बुलेटिन में आगे बताएंगे। हड़ताल पर गए धरती के जूनियर भगवान। आरजेडी सुप्रीमो लालू की किडनी की कराई गई जांच। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने युवक को गोली मारकर छीन ली बाइक और मौसम का कहर जारी। अब खबरें विस्तार से। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं। वे माह भर में ही 3 बार सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ लंबी लंबी मीटिंग कर चुके हैं। आज वे बिना किसी को बताए पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वे सीधे पुलिस मुख्यालय में बने अपने चैम्बर में पहुंचे। डीजीपी एसके सिंघल के साथ तमाम बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। एलईडी स्क्रीन पर पुलिस की गतिविधियों का प्रेजेंटेशन भी देखा, साथ ही कई निर्देश भी दिए। पुलिस मुख्यालय में मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से भी बात की। कहा, आज यहां हम जानबूझकर आए हैं, ये भी कोशिश करेंगे कि इसी तरह समय समय पर यहां आते रहें। उन्होंने साफ कहा, लॉ एंड ऑर्डर पर हम जो बात कर चुके हैं वो बात हम वहीं पर छोड़ नहीं देंगे। एक एक बिंदु का डिटेल सर्वेक्षण करा रहे हैं। केवल समीक्षा बैठक से काम नहीं चलने वाला है, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। अपराध नियंत्रण पर पूरी मुस्तैदी के साथ काम किए जा रहे हैं। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। दोनों उप मुख्यमंत्री सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इसके पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीजेपी के वरीय नेता संजय मयूख ने बीजेपी के दोनों दिग्गज नेताओं का भव्य स्वागत किया। उन्होंने बताया, तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं। राष्ट्रपति के अलावा दोनों नेता दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल से भी मिले। गुरुवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को किसान दिवस के बहाने एनडीए सरकार पर हमला किया है। आरजेडी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, डबल इंजन की सरकार ने बिहार के किसानों को भिखारी बना दिया है। कृषि को भी एनडीए सरकार निजी करने की साजिश में लगी हुई है। उन्होंने सवाल दागा, छोटी छोटी बातों पर ट्वीट कर सेलिब्रिटी को बधाई देने वाले पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार किसानों की मौत पर क्यों मौन है। बिहार में किसानों के प्रति परिवार आय देश भर से सबसे नीचे है। बिहार से आगे झारखंड है। तेजस्वी यादव ने कहा, 29 दिसंबर को लेफ्ट पार्टियों का राजभवन मार्च है। उस मार्च को आरजेडी का भी समर्थन है। किसानों के मामले में चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस, सभी को हमारा समर्थन है। हम किसानों के मुद्दे पर साथ खड़े हैं। बिहार में सरकार धान खरीद का टारगेट पूरा नहीं कर पा रही है व किसानों के धान नहीं खरीद पा रही। नीतीश सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली है। ये सरकार किसान विरोधी है। जाप पार्टी 5 जनवरी से किसान मजदूर रोजगार यात्रा शुरू करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा, हम ना डरेंगे, ना रुकेंगे और ना ही हारेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने कहा कि देश के सभी विपक्षी दल किसानों के लिए एक समन्वय समिति बनाएं। ये समिति किसान संगठनों के साथ मिलकर किसानों के वर्तमान और भविष्य को बचाने के लिए लड़ाई लड़े। मैं राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस, वामपंथी दल और क्षेत्रीय दलों से समन्वय समिति से जुड़ने का आग्रह करता हूँ। किसानों की लड़ाई के पहले चरण के दौरान हमारी पार्टी ने लगातार 1 सप्ताह तक अनिश्चितकालीन धरना दिया। दूसरे चरण में हम 5 जनवरी से किसान मजदूर रोजगार यात्रा शुरू करेंगे और तीसरे चरण में और भी बड़ा आंदोलन होगा। जरूरत पड़ी तो सरकारी कार्यालयों पर ताला लगाएंगे और रेल रोकेंगे।
रिम्स में एडमिट आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बुधवार को किडनी की जांच की गई। जांच के लिए उन्हें अस्पताल की कार्डियोलॉजी बिल्डिंग के पांचवें तल्ले पर ले जाया गया। मौके पर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अरशद जमाल, डॉक्टर बीसी राणा प्रताप, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेश टोपो, मेडिसिन के डॉक्टर डीके झा ने उनका इलाज किया। लालू की सुरक्षा में बरियातू थाना के पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। दरअसल डॉक्टर उमेश प्रसाद ने पिछले सप्ताह कहा था कि लालू की किडनी महज 25% ही काम कर रही है। इसके बाद उनके परिवार वाले व समर्थक टेंशन में आ गए थे। सावधान, धरती के जूनियर भगवान हड़ताल पर है। जी हां, आज से पूरे बिहार में जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि उनकी स्टाइपेंड राशि बढ़ाई जाए। हड़ताल का असर पटना के पीएमसीएच समेत गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर व भागलपुर के मेडिकल कॉलेजों में भी देखने को मिला। हालांकि सीनियर डॉक्टरों के ड्यूटी पर रहने के कारण कुछ हद तक स्थिति कंट्रोल में है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि आश्वासन के 3 साल बाद भी स्टाइपेंड की राशि नहीं बढ़ाई गई है, ऐसे में हड़ताल पर जाना उनकी मजबूरी है। मुजफ्फरपुर में क्राइम नहीं थम रहा है। बुधवार को कांटी थाना क्षेत्र में फोरलेन पर अज्ञात अपराधियों ने युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया, साथ ही उसकी बाइक भी लूट ली। घायल युवक को आनन फानन में बैरिया स्थित प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायल युवक 24 साल का शराफत हुसैन बड़का गांव का रहने वाला है। अपराधियों ने शराफत हुसैन को सीने और पेट में गोली मारी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बिहार में मौसम का कहर जारी है। राजधानी पटना समेत जिलों में सुबह घना कोहरा रह रहा है। विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम होती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। पहले ऑरेंज अलर्ट 23 दिसंबर तक के लिए घोषित किया गया था, लेकिन अब इसे 24 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बर्फीली हवाओं के कारण कनकनी बढ़ गई है। डॉक्टरों ने भी मौसम के कहर को देखते हुए लोगों से सावधान रहने को कहा है। खासकर नवजात बच्चों को अभिभावक हमेशा गर्म व ऊनी कपड़ों में रखें। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।